संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में इन दिनों लगातार दुपहिया वाहनों की चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। कुछ दिनों पूर्व भी एक युवक अपने रिश्तेदार के इलाज के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचा और पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी की तो कुछ देर बाद वापस आया तो बाइक गायब मिली। इसके बाद उसने हाथीपोल थाने में मामला दर्ज करवाया लेकिन अभी तक उसकी बाइक नहीं मिली है। आपको बता दें कि महाराणा भोपाल चिकित्सालय में कुछमापुरा अस्पताल प्रशासन द्वारा पार्किंग के ठेके को निरस्त कर दिया गया और वहां पर निजी गार्ड लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल परिसर से वाहनों की चोरी नहीं रुक रही है और अब तो चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वे दिन दहाड़े दोपहिया वाहनों को चुरा कर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे अस्पताल में सिर्फ वाहन पार्किंग के नाम पर 6 गार्ड तैनात है, वह भी भीषण गर्मी के चलते दिन में छाव में बैठे रहते हैं। ऐसे में हॉस्पिटल प्रशासन को गार्ड की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि वाहनों की चोरी पर अंकुश लगाया जा सके। हॉस्पिटल में जो लगातार दोपहिया वाहनों की चोरी घटना हो रही है उसको लेकर क्या कर पुलिस? हॉस्पिटल परिसर लगभग 20 बीघा के आसपास बिल्डिंगें बनी हुई है, उसमें प्रतिदिन एवरेज 6,500 का आउटडोर है और लगभग 2,500 बेड है। तो इसके अनुमानित प्रत्येक मरीज से जो भर्ती है उससे मिलने के लिए कई लोग आते हैं और उनकी जो सेवा या उनकी देखभाल के लिए परिवारजन भी आते हैं, साथ ही आउटडोर में जो मरीज आते हैं उनके साथ भी कोई ना कोई परिवारजन होता है। लगभग प्रतिदिन हॉस्पिटल के अंदर 30,000 लोगों का आना जाना है। प्रत्येक व्यक्ति अपना वाहन लेकर ही आता है। ऐसी स्थितियों में जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनसे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी चिकित्सा विभाग और अस्पताल प्रशासन की ओर से पिछले लंबे समय से पार्किंग का ठेका नहीं है, जबकि पूर्व में मेरे पूर्व के समय में वहाँ पर ठेका व्यवस्था थी, पार्किंग की गार्ड व्यवस्था थी, वो लोग व्यवस्थित रूप से टोकन देकर वाहन को एक निश्चित स्थान पर खड़ा करवाते थे और उस वाहन की देखभाल करते थे और तत्पश्चात वह व्यक्ति जाता था तो टोकन दिखाकर अपना वाहन लेके जाता था। तो अभी पिछले कुछ समय से ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो जिस कारण से पार्किंग की समस्या भी आती है, इमरजेंसी में जो लोग अपने मरीज को लेकर आते हैं ठीक प्रकार से इमरजेंसी तक पहुँच नहीं पाते हैं, रास्ते में बेतरतीब वाहन खड़े रहते हैं और इस टेंडर प्रक्रिया और पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण कुछ बदमाशों के द्वारा वाहन चोरी की घटनाएं भी की जाती है। सर, हॉस्पिटल में जो कैमरे लगे हैं वो भी बिल्कुल हॉस्पिटल में जो कैमरे हैं कुछ चल रहे हैं, कुछ व्यवस्थित रूप से नहीं है, कुछ को हमने और निश्चित स्थानों पर जहां ज़रूरत है वहां और कैमरे लगाने के लिए भी हमने कई बार पत्राचार किया है। देखिए, अभी हमारे पास खुद की पार्किंग की जो व्यवस्था हमने अपने लेवल पर कर रखी है, जो गार्ड लगा करके और हम पूरे परिसर है उसके अंदर पार्किंग कर रखी है। हमने कोशिश की है कि पार्किंग को सुव्यवस्थित की जाए, परंतु चोरी की घटनाएं हो रही हैं अभी भी, तो उनके लिए सभी समाज को भी सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। और अभी हमारे जो पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही हो जाएगा देन फिर उसके ऊपर हम गेट को जब तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब तक ये बड़ा इन घटनाओं के ऊपर लगाम लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि इतने ही गार्ड लगा लो तो ये कैसे पता पड़ेगा कौन लेके जा रहा है। जी सर, तो जब तक गेट के ऊपर चेक नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल काम है। हम कोशिश करते हैं जल्दी हमारा पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड देन इन घटनाओं के ऊपर लगाम लगा पाए। ठीक है।